नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय YouTube चैनल में। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। साथियों, जो खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है, पहले आपको बता दें कि सांचौर जालौर से है, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि दोस्तों एक खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें साथियों आश्रम में एक पुजारी ने साथियों गलत काम किया है। जी हाँ, बेहद शर्मनाक तरीके से। मानव सेवा विश्वगुरु दत्तात्रेय आश्रम की साध्वी हेमलता के सहयोगी तगाराम पर ANM ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत बाकायदा डाक से भेजे लेटर के माध्यम से की है। 27 जुलाई को पुलिस को लेटर मिला और 28 जुलाई की रात करीब 10 बजे FIR दर्ज कर ली। आरोपी की तगाराम ने रेप किया, इसका वीडियो साध्वी हेमलता ने बनाया। ये चीखने लगी तो साध्वी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मामला जालौर के सांचौर का है। सांचौर के सरवाना थाना प्रभारी किसना राम बिश्नोई ने बताया कि 32 साल की पीड़िता जालौर के चितलवाना तहसील की रहने वाली है। जोधपुर के बतौर ANM तैनात है। शिकायत में उसने बताया कि उसका पति और ससुराल वाले भक्ति सेवा से जुड़े हैं। पति 2021 में उसे मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम में ले गए थे। ये आश्रम सांचौर के अरावा जानीपुरा गाँव का है। यहाँ साध्वी हेमलता व उसके सहयोगी तगाराम से मुलाकात हुई। आश्रम के प्रति आस्था बढ़ी और नवंबर 2021 में संस्थान की ओर से एक ग्रुप में महिला हरिद्वार गई। 18 नवंबर 2021 को हरिद्वार में तगाराम ने रात में महिला को कमरे में बुलाया। उसके अंदर आने के बाद कमरा बंद कर असली लड़के दिखी। इसके बाद उसे डराया कि हरिद्वार में जो घटना हुई इसके बारे में किसी को नहीं बताया। साध्वी हेमलता ने महिला का कालपक्ष दोष बताते हुए उसका निवारण तगाराम से करने की बात कही। तगाराम ने कहा कि कालदोष हटाने के लिए 108 दिन में 21 बार शारीरिक संबंध बनाने होंगे। तगाराम ने महिला को कहा, ऐसा करने से तेरा कालदोष मुझ पर आ जाएगा। आरोपी की इस उपचार के लिए जब महिला तैयार नहीं हुई, उधर सांचौर DYSP रूप सिंह इंदा ने कहा है कि पीड़िता के बयान ले चुके हैं, मेडिकल करा चुके हैं, जाँच जारी है। 19 फरवरी 2022 को तगाराम और हेमलता ने महिला को आश्रम में बुलाया। रात 8 बजे साध्वी अंडरग्राउंड कमरे में ले गई। वहां पर पहले से मौजूद तगाराम ने रेप किया। महिला चिल्लाई तो साध्वी हेमलता ने उसका मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। आरोपी की साध्वी ने रेप का वीडियो बनाया, साथ ही किसी को कुछ भी बताने पर वीडियो वायरल, बदनाम करने और संस्थान में जान से मार कर दफनाने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है।